आज हम बात करेंगे टैक्स पेयर्स के बारे में। क्या आप एक टैक्स पेयर है? क्या आपने कभी टैक्स जमा किया है? क्योंकि इस टॉपिक को लेके बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है आप लोगों के मन में, और जो एक्चुअल टैक्स पेयर का मीनिंग है वो किसी को पता ही नहीं। जनरली लोग मानते हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो, जो जिनकी इनकम टैक्सेबल स्लैब से ऊपर होती है, जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स देते हैं, सिर्फ वो ही टैक्स पेयर होते हैं। और जनरली ऐसे लोग दूसरे लोगों को चिढ़ाते हैं या बोलते हैं, टोंट मारते हैं कि हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से ये रोड्स बन रही है, ये हाईवेज बन रहे हैं। और जो लोगों की इनकम कम होती है उन्हें कहते हैं कि तुम हमारे टैक्स के पैसे से इन चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं। आज हम इसी मिसकंसेप्शन के बारे में बात करेंगे कि कौन होते हैं टैक्स पेयर्स। तो इसको जानने के लिए पहले हम चलते हैं इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर को जानते हैं। इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आता है हमारा इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं हमारे जीएसटी, कस्टम और एक्साइज और भी छोटे मोटे टैक्सेस। तो जो डायरेक्ट टैक्स है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारा, 50% ऑफ टोटल टैक्स हमारा सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो 49% होते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम है। तो 2017-18 की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये 51% और 49% का रेशियो, तो लगभग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस का दोनों का प्रोपोर्शन टोटल टैक्स में जो शेयरिंग है वो सेम ही है। तो इफ आप कॉलेज में जा रहे हो, या आपकी इनकम इतनी नहीं है, या इतनी आप कमा नहीं रहे हो, तो क्या आप भी टैक्स पेयर हो? जी हाँ, आप भी एक टैक्स पेयर हो। आप डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे, बट आप इनडायरेक्ट टैक्स तो दे रहे हो। आपको कोई भी सामान ले लो, कुछ चीज़ों को छोड़ के, जो नेसेसरी चीज़ें छोड़ के, सब पे जीएसटी लगता है या कस्टम लगता है या एक्साइज लगता है। कस्टम मतलब जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं उन पर कस्टम लगता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ मार्केट से परचेज कर रहे हो, कुछ चीज़ों को छोड़ के, सब पे आप टैक्स पे कर रहे हो, तो जो पैसा है गवर्नमेंट को वो आपके पास से ही जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई सर्विस ली, आपने कोई चीज़ खरीदी जिस पे 12% टैक्स हुआ, तो 12% टैक्स जो सामान बेचने वाला है वो आपसे लेगा, देन उसको गवर्नमेंट को जमा कराएगा। इवन एक भिखारी भी, एक देश में जो अगर कोई भिखारी है वो भी कोई सामान परचेस कर रहा है, तो वो भी टैक्स पे कर रहा है। तो ये मिसकंसेप्शन को भूल जाइए कि सिर्फ जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो ही टैक्स पेयर होते हैं। जो जीएसटी पे कर रहे हैं, जो एक्साइज पे कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल खरीदते हैं उस पर एक्साइज ही लगता है, जो पेट्रोल भी भरवा रहा है वो भी टैक्स पेयर है। तो सारे के सारे जो इंडियन हैं वो, जिन्होंने एक भी रुपया खर्चा है, तो वो क्या हो गए, हमारे टैक्स पेयर हो गए हैं। तो आगे से आपको कोई भी बोले कि आप तो टैक्स पेयर है नहीं, आपने तो इनकम टैक्स पे ही नहीं किया, तो आज आप हमारी सब्सिडी पे पल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी एक वैलिड टैक्स पेयर है, और उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो टैक्स पेयर नहीं सोच रहे थे अपने आप को, वो वीडियो खत्म होते तक टैक्स पेयर बन चुके हैं। तो नाउ यू कैन प्राउडली से यू आर ऑल्सो अ टैक्स पेयर। तो मेरी तरफ से इस छोटी सी वीडियो में इतना ही था। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और आपको ऐसे से और भी चीज़ें जाननी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे से वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।